खबरी कहाँ है? अंडे आपके लिए खबर लाया था। छपरी कही के एक रूम ही ना तेरे को। रोज अच्छे नहीं लगते। नहीं तुम हमको अगली खबर बताओ। अंडे खपरी नाव है मेरा, खबर सबकी रखती हूँ। नमस्कार नमस्कार, दर्शक लोग आ गए का, कैसा अब बोल रहे होंगे आंटी हमसे बात करते करते उधर देखते, हम पहले भी बोले थे ना, वो कांच लगाए हुए है ना, तो तनिक का है ना, हमारे घर वाले तो नहीं बोलेंगे कि तनिक बेटा ठीक नहीं लग रहे हो कि ऐसे, हमको फिर ऐसा लगता है कि नहीं अच्छे लगे तो का दर्शक का सोचेंगे हमारे ऊपर, हमको पता है वैसे तो हम है बहुत ब्यूटीफुल, का कहते हो ससुर जी है ना बहुत सुंदर, नहीं है, है ना तनिक, हाँ या ना कछु तो बोलो, है ना सुंदर, हमको पता, हम अम्मा को रोज वीडियो कॉल करते हैं ना, तो अम्मा यही कहती है कि तनिक बिटिया रानी अब हमको ना, हम उम्र हो गई है पर यही बोलती है कि बिटिया रानी काला टीका लगा दो तो नीचे लग जाएगी। वो का है, वो हमारे मोहल्ले में ना एक आदित्य आया है, वो आया तो कब से है पर वो का हमको कुछ समझ में नहीं आता है, तो हमको आज तो बोलता है कि आंटी आप ऐसे रेडियो में कहे नहीं ना चली जाती हो। हम बोले कि बबुआ हमको पता है कि हम टैलेंटेड है पर हम जाएंगे, अभी कहाँ है ना, अभी फिर दर्शकों से कौन मिलेगा, दर्शकों को खबर कौन देगा, तो बोलता है कि नहीं आंटी टैलेंटेड तो आप बहुत, हमको पता, हमने बोला नीजर मत लगाओ हमको, अब ऐसा हो गया तो अभी आता है और जाता है, पता नहीं क्या करता रहता है इधर, वो 2000 गई ना तो हमारे ससुर जी को आके परेशान करता रहता है। कल आया तो हम बोले कि ठीक हमारी फ्रेंड नहीं आई थी कल, पल्लवी होता हम बताए थे ना आपको, तो उसे हम बात कर रहे थे, तो हम तो चाय पी रहे थे, सुबह सुबह बैठे थे ना काम खत्म करके, तो बोलता है आंटी क्या कर रहे हो, हम बोले का कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं और चाय पी रहे, तो बोले हम ना आपके साथ चाय पीने आए हैं, फिर बोले कि हमारे रिश्ते की बात करो ना, आपकी फ्रेंड हो तो कोई, तो हम बोले कि ठीक है पहले नहाना सीख लो, नहाते नहीं हो, हम बोले कि नहाना सीख लो, नहीं नहाते हैं, हम बोले नहा धो के टिप टाप रहो तो लड़की पसंद करेगी, अब आज भी हम बोले कि बाल हो रहे हैं झाड़ू जैसे, जाके कटवा के आओ, जब से घूम रहे हम बोले कि तनिक जाओ, का समय लगता है, समय नहीं लगता है, आज नवरात्रि है फिर आज नव वर्ष भी है तो हम चले जाते, नहीं गए हैं कौन लड़की पसंद करेगी ऐसे बताओ, सही नहीं ना कर रहे हैं, तो हम तो अच्छी सलाह देते हैं पर नहीं मानते तो हम का करें दर्शक, अब हम फिर ना बोलना ही छोड़ दिए हैं, तो ये राम कहानी हो गई, आप बोर तो नहीं हुए, हम ना आपको भारती सिंह की खबर सुनाते हैं, चलिए पहले आप बेबी गर्ल के स्वागत की अफवाहों पर भारती सिंह ने कहा सच नहीं है, मैं डरी हुई हूं क्योंकि डेट नजदीक है। जी हां भारती सिंह ने उन अफवाहों का खंडन किया है कि उन्होंने अपने पहले बच्चे के रूप में बेबी गर्ल का स्वागत किया है। कॉमेडियन ने कहा कि उन्हें बधाई मैसेजेस मिल रहे हैं लेकिन यह खबर सच नहीं है। भारती और उनके पति हर्ष ने खुलासा किया था कि वे अप्रैल के पहले सप्ताह में बच्चे के आने की उम्मीद कर रहे हैं। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा मुझे बधाई देने वाले प्रियजनों से मैसेजेस और कॉल्स आ रहे हैं। ऐसी खबर है कि मैंने एक बच्ची का स्वागत किया है लेकिन यह सच नहीं है। मैं खतरा खतरा के सेट पर हूँ, 15-20 मिनट का ब्रेक था इसलिए मैंने लाइव आने का फैसला किया और स्पष्ट किया कि मैं अभी भी काम कर रही हूँ, मुझे डर लग रहा है, डेट्स करीब हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हर्ष और मैं बच्चे के बारे में बात करते हैं और आश्चर्य करते हैं कि वह किसके बाद या वह किस पे जाएगा, लेकिन बात निश्चित है बच्चा मजाकिया होने वाला है क्योंकि हम दोनों मजाकिया हैं। भारती ने अपने फैंस से किसी भी अफवाहों पर विश्वास न करने और उनसे खबर सुनने का इंतजार करने का भी आग्रह किया। बता दें कि भारती 8 महीने से प्रेग्नेंट है और उन्होंने पिछले हफ्ते अपने यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ लिम्बचिया पर एक ब्लॉग में एक फोटोशूट का BTS वीडियो भी शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें डॉक्टर्स ने कहा है कि उन्हें अब किसी भी दिन अपने बच्चे के आने की उम्मीद करनी चाहिए। वह वर्तमान में हुनरबाज में दिखाई दे रही है जिसमे परिणीति चोपड़ा, मिथुन चक्रवर्ती और करण जौहर जजों के पैनल में है। खैर इस खबर में तो बस इतना ही, आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी तो बाल सवारने से कोई मतलब नहीं है, आपका जब बोल दिए सुबह से कि जाके बाल सवार के आओ कटवा के आओ, नया दिन है तो लड़की पसंद करेगी, अब कोई लड़की पसंद नहीं करे और उधर हमारे ससुर जी के पास खड़े खड़े ना बाल सवार रहे हैं, का आदित्य नहीं सुनते हो, अब सुनोगे भी नहीं, अभी बाल सवारने से का मतलब है, जब से आंटी बोल रही है ना सुबह से वो शोभा बिटिया बोल रही है, हम बोल रहे हैं, सब मिल के बोल रहे हैं कि जाके आओ थोड़ा टाइम दो खुद को, तो नहीं जा रहे थे, अब ये नहीं का हो गया, अभी जाओ यहाँ से, अभी का जाओगे, अभी तो सब बंद नहीं ना हो जाएगा,
अब क्या बोले, अभी ऐसे ऐसे मुंडी हिलाने से कछु नहीं होगा, अब लाते हैं हम कैची और खुद ही अब तुम्हारे बाल सवार देते हैं। अभी तो जाते हैं, दर्शक लोग नई खबर लेकर आते हैं, आप कहीं बन जाइएगा, बने रहिएगा आंटी के साथ। जय राम जी की। दर्शकों,